हाय फ्रेंड, कैसे हो आप? आज के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने सिक्योरिटी कंट्रोल ये टॉपिक देखा। सिक्योरिटी कंट्रोल मींस अपने कंपनी के डेटा को एम्प्लॉय से कैसे सिक्योर रखने का, जो डेटा एम्प्लॉय को नहीं दिखाना है उसको कैसे हाइड करने का वो देखा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट क्या है, अकाउंट के कितने टाइप्स से रूल्स क्या है, लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। आज हम उनको डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अकाउंटिंग करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है ये देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अकाउंटिंग से हम समझ सकते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। दूसरा बेनिफिट ये है कि बिजनेस के फाइनेंशियल सिचुएशन को हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि बिजनेस में प्रॉपर्टी कितना है, डेब्ट मतलब लोन कितना है बिजनेस पे, कैपिटल कितना है बिजनेस में, ये हम समझ सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा बेनिफिट ये है कि इसके अलावा हम प्रॉफिट एंड लॉस के रीज़न को देख सकते हैं। तो हमने अभी अकाउंटिंग क्या है और अकाउंट के बेनिफिट देखे। अभी हम देखते हैं अकाउंट क्या है। वॉट इज अकाउंट? किसी व्यक्ति, प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और इनकम, लॉस एंड एक्सपेंडिचर, इन सब का ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करके एक बुक में रखते हैं, उसे अकाउंट कहते हैं। अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। अभी डेबिट साइड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और क्रेडिट साइड राइट साइड में होता है। डेबिट साइड में क्या क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, या अभी हम अकाउंट के टाइप्स एंड रूल्स देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। अकाउंट के दो टाइप्स हैं, एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के दो टाइप्स होते हैं, एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। अभी इस अकाउंट के टाइप्स को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। अभी पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कंपनीज, फर्म, ग्रुप, एसोसिएशन, इन सब का समावेश पर्सनल अकाउंट में होता है। जैसे कोई भी पर्सन मतलब संदीप अकाउंट, कोई भी कंपनीज मतलब ABC प्राइवेट लिमिटेड, या कोई भी बैंक मतलब SBI बैंक अकाउंट, ये सब किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का एक रूल है, क्या रूल है वो? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट साइड में जो रिसीव किया है वो डेबिट साइड में आएगा और जो किसी ने दिया है वो क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे है, पेड ABC प्राइवेट लिमिटेड ₹24,000 बाय चेक। ABC प्राइवेट लिमिटेड ने 24,000 का चेक दिया है, मतलब पेड किया है। अभी इस ट्रांजेक्शन में रिसीव कौन कर रहा है? ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और कौन दे रहा है? तो वो बैंक, मतलब बैंक से चेक मिल रहा है। तो ABC प्राइवेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसी एंट्री बनेगी। अभी दूसरा है रियल अकाउंट। अभी रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट में बिजनेस के जितने भी एसेट्स एंड गुड्स होते हैं उन सब का समावेश रियल अकाउंट में होता है। जैसे कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? रियल अकाउंट में। अभी रियल अकाउंट के दो टाइप्स है, एक है टैंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा है इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल और इनटैंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है ये अभी हम देखते हैं। टैंजिबल रियल अकाउंट मतलब ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु जिसे देखा जाता है और टच किया जाता है, उसे टैंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं। दूसरा है इनटैंजिबल रियल अकाउंट। इनटैंजिबल रियल अकाउंट इसके अपोजिट, ऐसी चीज़ या वस्तु जिसको हम देख या टच नहीं कर सकते हैं उसे इनटैंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये इनटैंजिबल रियल अकाउंट में आता है। अभी रियल अकाउंट क्या है और उसके टाइप्स देखे, अभी रियल अकाउंट का रूल देखते हैं। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो हम बिजनेस में आया है वो डेबिट साइड में आएगा और जो बिजनेस से चला गया वो क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, परचेस फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश। फर्नीचर क्या किया है? परचेस किया है,
कितने में? 10,000 में। अभी फर्नीचर परचेस किया मतलब बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया। इसके लिए हमने रूल्स में देखा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो आएगा बिजनेस में वो डेबिट साइड, और जो बिजनेस से चला जाएगा वो क्रेडिट साइड। तो बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया। इसके लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या चला गया? कैश। इसके लिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसा ये ट्रांजेक्शन, ये एंट्री ऐसी बनेगी। फिर उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। अभी नॉमिनल अकाउंट में जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस इनकम होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जैसे कि सैलरी हो गया, प्रिंटिंग या स्टेशनरी, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस के जितने भी खर्चे जैसे सेंट्री एक्सपेंसेस हो गया, वो सब किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का भी रूल है, वो रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है वो सब डेबिट साइड में आएगा, और क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम्स एंड प्रॉफिट है वो सब क्रेडिट साइड में आएगा। अभी इनका भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। एक है पेड सैलरी बाय कैश और ₹11,000। सैलरी क्या किया है? पेड किया है। पेड किया मतलब एक्सपेंसेस हुआ, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी सैलरी अकाउंट डेबिट में क्यों आया? सैलरी एक्सपेंसेस है, इसके लिए हमने रूल में देखा कि डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर उसके बाद है ट्यूशन फीस रिसीव इन कैश ₹2,000। ट्यूशन फी रिसीव, रिसीव मतलब बिजनेस पे आया है, मतलब इनकम हुआ। तो इनकम हुआ, तो इनकम हमने देखा अभी रूल में, इनकम कहाँ पे होता है? क्रेडिट साइड में आता है। तो ट्यूशन फी रिसीव इन कैश में कैश अकाउंट डेबिट होगा और ट्यूशन फी अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी हमने अकाउंट के टाइप्स और अकाउंट के टाइप्स को डिटेल में देखा और उसके रूल्स देखे, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें अकाउंट में, अकाउंट करते समय हमें कुछ वर्ड्स का प्रयोग करना पड़ता है, तो उस वर्ड को हम अभी डिटेल में देखते हैं। जैसे सबसे पहला है गुड्स। अभी गुड्स क्या होता है? गुड्स मीन्स माल, मतलब हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते और बेचते हैं, परचेस और सेल करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं गुड्स। फिर उसके बाद है एसेट्स। अभी एसेट्स क्या होता है? एसेट्स कीमती चीज होती है जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती है और बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब को क्या बोलेंगे हम? एसेट्स बोलेंगे। फिर उसके बाद है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज दूसरों द्वारा बिजनेस पे की जाती है, जैसे कि बैंक से लिया हुआ लोन, क्रेडिट पे माल खरीदा रहेगा, वो सब किस में आएगा? लायबिलिटी में। फिर उसके बाद है कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या रहता है? कैपिटल मीन्स बिजनेस के ओनर द्वारा किया हुआ फाइनेंस। ये कैपिटल कैश में हो सकता है, गुड्स में हो सकता है, या फिर एसेट में हो सकता है। इसको हम कैपिटल बोलते हैं, जो बिजनेस पे पैसा ओनर ने लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। फिर उसके बाद है डेटर। अभी डेटर क्या होता है? जो व्यक्ति या कोई भी संस्था जिसका माल या सर्विस उधार, जिसको हम माल और सर्विस उधार पे देते हैं, उसे डेटर बोलते हैं। इन शॉर्ट, जिससे बिजनेस को पैसा आने वाला है उसको डेटर बोलते हैं। इसके अपोजिट क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब जो व्यक्ति या फिर कोई संस्था जिससे माल या सर्विस उधार पे बेचते हैं, उसे क्रेडिटर बोलते हैं। इन शॉर्ट, बिजनेस से जिसको पैसा देना है वो होते हैं क्रेडिटर। अभी हमने देखा इन सब का मीनिंग, गुड्स क्या है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, इन सब को देखा। अभी हम देखते हैं ट्रांजेक्शन। अभी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन में सबसे पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? बिजनेस में हम कुछ खरीदते और बेचते, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी दूसरा है कैश ट्रांजेक्शन। अभी कैश ट्रांजेक्शन क्या है? जो ट्रांजेक्शन में हम कैश में माल खरीदते हैं, मतलब प्रोडक्ट खरीदा और पैसा तुरंत दिया, तो उसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। मतलब प्रोडक्ट खरीदा और तुरंत पेमेंट कर दिया, तो हो गया कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन उसके अपोजिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब क्या है? क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे कि उधार पे हुआ है,
जैसे प्रोडक्ट खरीदा लेकिन आप 1 वीक के बाद पेमेंट करने वाले हैं, हम 1 वीक के बाद पेमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो अभी हमने ट्रांजेक्शन देखे, अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखते हैं लेजर क्या होता है। अभी हमने सब चीज़ समझ ली, अकाउंट क्या है, अकाउंट के टाइप्स क्या है, फिर जो भी ऑप्शन वर्ड्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं टैली में, ये देखा। अभी एक्चुअल में टैली में लेजर क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। टैली में जब हम वाउचर एंट्री करते हैं ना, तभी हमें लेजर बनाने पड़ते हैं। तो लेजर का यूज़ हमने देखा अभी। अभी लेजर क्या होता है, लेजर एक तरह का अकाउंट होता है जिसके हेल्प से हम टैली में वाउचर एंट्री करते हैं। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि टैली में एंट्री करने से पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है। और टैली में ऑटोमेटिक दो लेजर पहले से बने रहते हैं, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको ये दोनों लेजर फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं। अभी लेजर क्या होता है ये मैंने बताया, लेकिन लेजर कैसे बनाते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल बाद में बताऊंगी। फिर उसके बाद है ग्रुप्स। अभी ये ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप की हेल्प से हम टैली में लेजर बनाते हैं। ग्रुप एक तरह का कलेक्शन होता है जिसके थ्रू हम टैली के अंदर फाइनल रिपोर्ट मीन्स फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। ग्रुप एक कलेक्शन होता है लेजर, और किसी भी लेजर को क्रिएट करने से पहले, क्रिएट करते वक्त हमें ग्रुप में रखना पड़ता है, तो उसे हम ग्रुप बोलते हैं। जैसे टैली में टोटल 28 ग्रुप है, उसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप है और 13 सब ग्रुप है। अभी आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक लेजर बनाया परचेस, और अंडर मतलब ग्रुप में आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप है। तो आपको ये परचेस को कौन से ग्रुप में डालना है ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको ये लिस्ट को डिटेल में देखना पड़ेगा। तो चलिए ग्रुप को हम अभी डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से लिस्ट बना के रखी है, आप देख सकते हो। तो चलिए इन सब ग्रुप को अभी हम डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहला है बैंक अकाउंट। अभी बैंक अकाउंट क्या है, जब भी हमारे पास करंट अकाउंट या सेविंग बैंक अकाउंट का लेजर आता है, मतलब लेजर बनाते हैं, तो उस लेजर को हम किस में डालेंगे, बैंक अकाउंट में डालेंगे। फिर उसके बाद है, अभी उसके बाद है बैंक ओडी एंड बैंक ओसीसी, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। ये क्या होता है, जब भी हम बैंक से लोन लेंगे तो उस बैंक के लोन का लेजर हम अभी बनाते हैं, तभी उसको हम किस में डालेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट में। फिर उसके बाद है ब्रांचेस एंड डिवीजन। ये क्या होता है, जब भी कोई कंपनी जिनकी बहुत सारे ब्रांचेस है अलग अलग स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में, उस लेजर को हम ब्रांच एंड डिवीजन इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद है कैपिटल। अभी कैपिटल क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। जब भी कोई बिजनेसमैन होता है जो अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, उस लेजर को हम कैपिटल अकाउंट इस लेजर ग्रुप में डालेंगे। फिर उसके बाद है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस मतलब जो जितने भी टैक्स है उन सब टैक्स के लेजर को हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस इस ग्रुप में डालेंगे। फिर उसके बाद है डिपॉजिट एंड ब्रैकेट में लिखा है एसेट्स। जब भी हम ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें टाइम पीरियड हो और प्रॉफिट डिसाइड हो कि इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगी तो इसके बाद मेरे को इतना पैसा मिलेगा इतने टाइम के बाद, तो ऐसे डिपॉजिट को हम ये डिपॉजिट एंड एसेट्स इस ग्रुप में डालेंगे। जैसे FD हो गया, RD हो गया, PPF हो गया, गवर्नमेंट के जितने भी योजनाएँ हो गए वो सब किस में आएगा, डिपॉजिट एंड एसेट्स में। फिर उसके बाद है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स ऐसी प्रॉपर्टी जो हम सेल करने के लिए नहीं खरीदते और जो बिजनेस जो लाइफ लॉन्ग यूज करने के लिए होती है, तो उस लेजर को हम फिक्स एसेट्स इस ग्रुप में डालेंगे। जैसे फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरी, इन सब को हम किस में डालेंगे, फिक्स एसेट्स में। फिर उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सभी खर्चे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं उन सब को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस ग्रुप में डालेंगे। जैसे वेजेस का अगर आप लेजर बनाते हैं तो उसको आप कौन से ग्रुप में डालना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर आप फैक्ट्री रेंट का लेजर बनाते हैं तो उसको आपको किस में डालना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरिज इनवर्ड का अगर आप लेजर बनाते हो तो उसको आपको कौन से ग्रुप में डालना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको कौन से ग्रुप में क्या डालना है।
फिर उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे सभी खर्चे या एक्सपेंसेस जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं उन सब को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। जैसे कि सैलरी का लेजर आपने बनाया तो उसको आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है, इंटरेस्ट पेड का बनाया तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है, ऑफिस रेंट हो गया तो उसको आपको किस में डालना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर अभी आप देखते हैं इनडायरेक्ट इनकम। ऐसे इनकम जो गुड़ को सेल करने से अलावा होते हैं उन सब लेजर को हम इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। जैसे डिस्काउंट रिसीव, मतलब डिस्काउंट मिला है आपको, रेंट मिला है किधर से, या फिर आपको कमीशन मिला, आपको मतलब कंपनी को मिला है, वो सब किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम में। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जिसमें आपको पता नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, होगा तो कितना होगा या फिर कितने टाइम के बाद होगा, वो फिक्स नहीं है, प्रॉफिट होगा ही ऐसा ही नहीं, लॉस भी हो सकता है। ऐसे ऐसे लेजर को हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप में रखेंगे। जैसे कि शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, वो सब किस में रहेगा, इन्वेस्टमेंट इस ग्रुप में डालेंगे। फिर उसके बाद है लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस एसेट्स, जब हमने किसी को लोन देना होगा वो भी एडवांस पेमेंट करके, उसको हम लोन एंड एडवांस एसेट्स इस ग्रुप में रखेंगे। जैसे एडवांस सैलरी हो गया तो वो किस में रहेगा, लोन एंड एडवांस एसेट्स में। फिर उसके बाद है प्रोविजन। बिजनेस में फ्यूचर केस से बचने के लिए हम कुछ फंड बना के रखते हैं तो उसको, उस लेजर को हम प्रोविजन इस ग्रुप में डालेंगे। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, वो किस में रहेगा, आपको कौन से ग्रुप में डालना है, वो प्रोविजन इस ग्रुप में। फिर उसके बाद है परचेस अकाउंट। हम जो भी गुड्स मतलब माल परचेस करते हैं या फिर परचेस रिटर्न करते हैं उस लेजर को हम परचेस अकाउंट इस ग्रुप में डालेंगे। अगर आपने परचेस का लेजर बनाया तो आपको कौन से ग्रुप में डालना है, परचेस अकाउंट इस ग्रुप में डालना है। फिर उसके बाद है सेल्स अकाउंट। अभी सेल्स अकाउंट में जब भी हम माल या गुड्स जो सेल करते हैं या सेल्स रिटर्न करते हैं तो उसको आपको सेल अकाउंट इस ग्रुप में डालना है। जैसे कि आपने सेल्स का लेजर बनाया तो उसको आपको कहाँ पे डालना है, कौन से ग्रुप में डालना है, तो सेल्स अकाउंट इस ग्रुप में डालना है। फिर उसके बाद है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन, जब भी हम ऐसा लोन लेते हैं जो बैंक के अलावा आपने किसी और से लिया है और वो सिक्योरिटी रख के लिया है, तो ऐसे लोन को हम सिक्योर लोन इस ग्रुप में डालेंगे। जैसे बालाजी बजाज फाइनेंस से लिया हुआ लोन, या फिर कार फाइनेंस में ली है, या गोल्ड पे लोन लिया है, उन सबको आपको सिक्योर लोन इस ग्रुप में डालना है। फिर उसके बाद है अनसिक्योर लोन। जब भी हम अपने फ्रेंड या रिलेटिव से लोन लेते हैं उन सब लोन के लेजर को हम अनसिक्योर लोन इस ग्रुप में डालेंगे। फिर उसके बाद है संडे क्रेडिटर। संडे क्रेडिटर मतलब बिजनेस में हमने जिन पार्टी से, जिन लोगों से क्रेडिट या उधार पर गुड्स खरीदा है, जिनको हमने पैसा देना है, उन सब को संडे क्रेडिटर एक ग्रुप में डालना है। मतलब अगर आपने किसी से कुछ भी प्रोडक्ट परचेस किया और उधारी पे किया है तो ऐसे सामने वाले पार्टी के लेजर को हमने किधर डालना है, संडे क्रेडिटर में। उसके अपोजिट है संडे रेटर। ऐसे पार्टी जिनको हमने उधार पे माल सेल किया है उसे हम किस में डालेंगे, संडे रेटर में। तो अभी हमने देखा कि लेजर के जो जो ग्रुप में, जो भी लेजर हम बनाएंगे और उनको हमें कौन से ग्रुप में डालना है, ये अभी हमने डिटेल में देखा। अभी हम कल मिलते हैं। कल हम लेजर को प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं ये आज कल हम देखने वाले हैं। अभी सिर्फ हमने देखा कि लेजर और ग्रुप क्या होता है, उसके साथ साथ हमने देखा अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट क्या है, अकाउंट के कितने टाइप्स है, फिर उसके रूल्स देखे। तो अभी हम कल मिलते हैं। कल हम लेजर कैसे बनाते हैं टैली में और उसको कैसे ग्रुप में डालने का, ये सब हम कल देखने वाले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।